बालाघाट नगर में बढ़ती चोरी के वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 दिनों में चोरों ने जहां सुभाष नगर में एक सुने मकान को निशाना बनाया, तो वहीं बीती रात चोरों ने भटेरा चौकी स्थित हार्टिकल्चर के हेड लिपिक रोशन लाल गौतम के सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने इस मकान से करीब 13 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी 20,000 रुपए की चोरी कर ली। 12 मई की रात्रि यह चोरी उस समय हुई जब रोशनलाल गौतम अपने परिवार के साथ ग्राम सिहारी लांजी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। यह घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने श्री गौतम के निवास में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मई को ग्राम सिहारी लांजी में रोशनलाल गौतम के रिश्तेदारी में शादी थी। मकान में ताला लगाकर परिवार के सभी सदस्य शादी में शामिल होने के लिए सिहारी लांजी गए थे, जिनके जाने के बाद मकान पूरा सूना था। रात्रि में चोरों ने मकान को अपना निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और मकान के अंदर रखी 4 अलमारी को तोड़ते हुए उनमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए चोरी कर लिए। 13 मई को सुबह रोशनलाल गौतम के पड़ोसियों ने मकान के सामने का दरवाजा हल्का सा खुला देखा। शक होने पर उन्होंने अंदर जाकर देखा, अंदर सामान अस्त व्यस्त अलमारी खुली देखी और चोरी होने की भनक लगते ही उन्होंने रोशनलाल को घटना के संबंध में बताया। सूचना मिलते ही रोशनलाल गौतम परिवार के साथ घर आया और देखा कि घर का सारा सामान बिखरा, अलमारी खुली हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। डॉग स्क्वाड से चोरों का सुराग लगाया गया किंतु सफलता नहीं मिल पाई। ये मेरे पड़ोसी योगेश शरणागत जी ने मुझे 10:30 बजे फोन करके बताया कि आप गेट में ताला है और मेन गेट खुला है, तो बोले आप कहाँ पे हो। मैंने बोला शादी समारोह कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। नहीं, बोले आपके यहाँ पे रहना चाहिए, कुछ न कुछ हुआ है, आप आओ। तो इस बीच में कहने चाहिए मैम सीधे वहाँ से निकले परिवार सहित और सीधे थाने आए। थाने में कहना चाहिए डी आई साहब से मिले और कहना चाहिए तो डी आई साहब ने डाक स्टाफ और तुम्हारे फिंगरप्रिंट वाले और एक एस आई साहब को साथ में भेजे। फिर गए घर घर में जाकर के देखे, पूरी अलमारी टूटी पड़ी हुई थी, सामान बिखरा हुआ था, 3 अलमारी टूटी हुई थी, 4 हैं तो, और ये खुली हुई थी, उसमें कपड़े से उसमें कुछ नहीं हुआ। 3 अलमारी के लाख पूरे टूटे हुए थे, सामान पूरा बिखरा हुआ था, लगभग 12-13 लाख का कहने में सामान चोरी हुआ।